वजह क्या है ये खाना जो आप कम पैकिंग में दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जैसे कि मार्केट में 400 का हो रहा है, 300 का हो रहा है, तो आप कम में दे रहे हो, तो भाई क्या वजह है इसकी? यार ये यूं कम में दे रहे हैं, मशीनें हमारी अपनी है, लेबर हमारी अपनी है, तो हमें कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है, और हम बिल्कुल कम कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, यानी कम मार्जिन पे दे रहे हैं, कम मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। खाना इसलिए पैकिंग कराने रहे हैं कि अभी मेरी फैमिली जा रही है हज पे, माशाल्लाह खाना मिल रहा है फ्री का, यहाँ अपने हाथ का बना हुआ खाना जाएगा ना, और इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, लीक नहीं होता, क्योंकि इनके डब्बे माशाल्लाह दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। तो कितनी देर लगती है अंदाजा, जैसे मैं खाना भी लेकर आया आपको दिया, कितनी देर में बाद मिलेगा भाई मुझे? 4 घंटे इसके प्रोसेस में लगते हैं, और इंशाल्लाह खाना सेफ रहेगा, अल्लाह ने चाहा। पहले आया हो करवाने के लिए? नहीं, इनसे अभी फर्स्ट टाइम करवाने के लिए ना, तो क्वालिटी फिर पता चल जाएगी। हाँ पता चल जाएगी, बाकी दोस्तों से भी सुना है कि अच्छी क्वालिटी है, हमने कहा चलो इनसे ट्राई कर लेते हैं। तो भाई आपको पता है जैसे कि अभी हज का सीजन ऑन गोइंग है, लोग जाते हैं हज पर, उमरा पर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाते हैं, तो भाई मेन काम होता है खाना पैक करवाने का। भाई खाना पैक करवाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जिस पर खुसूसी डिस्काउंट भी चलेगा हज उमरा के लिए, और वैसे हमारे चैनल के वाले को देखने वाले के लिए। तो मैं इस वक्त भाई भंसरोड में मौजूद हूँ, मेरे पीछे है मौजूद हाजी कैनिंग। इनका दावा है कि भाई हम जो खाना पैक करके आपको देंगे, एक तो लंबे टाइम तक चलेगा और पैसे भी पैकिंग के बहुत कम होंगे। तो आ जाए भाई, वीडियो शुरू करते हैं, मालूमात लेते हैं इनसे। आ जाए अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई जान, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह का, अल्लाह का। क्या नाम दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान भाई कैसा चल रहा है माशाल्लाह ये कैनिंग का काम? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो ये क्या सिस्टम क्या है? ये अभी मैं बाहर देख रहा हूँ हज उमरे पे खुसूसी रियायत, तो ये क्या क्या चला रहे हैं आप? यार ये हाजियों के लिए हमने खुसूसी डिस्काउंट निकाला है, ये बड़ा डब्बा हम पैक कर रहे हैं 250 का, जो 250 का मार्केट में रेट इसके 400 है। अच्छा 400 है, ये कितने केजी का है, क्या है, ये क्या हिसाब है? 1 केजी का होता है, 800 ग्राम खाना आता है और 150 ग्राम का डब्बा है, ठीक है। और ये कितने का पैक हो रहा है? 250 का ये पैक हो रहा है, साथ में छोटे डब्बे भी मुझे दिख रहे हैं ना, ये डब्बा ये रहा, ये पैक होता है 200 का, इसके रेट है मार्केट में 300 रूपए। अच्छा हमने खुसूसी डिस्काउंट निकाला है, ये क्या सिर्फ हज और उमरे वालों के लिए? नहीं, ये जो भी बाहर जाना चाहे, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहे या पाकिस्तान टूर पे जाना चाहे, तो खाना लाए, पैकिंग का काम हमारा है, पैक हम करके देंगे, और इंशाल्लाह खाना सेफ रहेगा, अल्लाह ने चाहा। जायका वगैरह तो कोई चेंज नहीं होगा उसका पैकिंग से आपकी? खाने की भुनाई अच्छी हुई भी होगी, खाना अगर अच्छा बना हुआ होगा तो सेफ रहेगा, ठीक हो गया। तो कितनी देर लगती है अंदाजा, जैसे मैं खाना भी लेकर आया आपको दिया, कितनी देर में बाद मिलेगा भाई मुझे? 4 घंटे इसके प्रोसेस में लगते हैं, ठीक है। खाना अगर आप हमें 6 बजे से पहले आप हमें खाना देंगे, सुबह 11 बजे दुकान खुल जाती है, और रात को 10 बजे तक हम लोग होते हैं, ठीक है, यहीं होते हैं आप लोग? जी, ठीक है ना। तो वजह क्या है ये खाना जो आप कम पैकिंग में दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जैसे कि मार्केट में 400 का हो रहा है, 300 का हो रहा है, तो आप कम में दे रहे हो, तो भाई क्या वजह है इसकी? यार ये यूं कम में दे रहे हैं, ये हाजी जा रहे हैं, इनको डिस्काउंट दें अपने पास से, हम लोग मशीनें हमारी अपनी है, लेबर हमारी अपनी है, तो हमें कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है, और हम बिल्कुल कम कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, यानी कम मार्जिन पे दे रहे हैं, कि बस कम मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग आए और आसानी से बना सके ना। बिल्कुल। तो भाई यार ऐसा तो नहीं होता ना, खाना अक्सर हमने जो दिया है पता चले उसमें से थोड़ा कम हो जाए, ये हो जाए, अक्सर ये शिकायतें रहती है? नहीं, हम कस्टमर के सामने डालते हैं बॉक्स में, अच्छा, उसके बाद जाने देते हैं कस्टमर को, वरना हम जाने नहीं देते। हम बोलते हैं भाई आपके सामने पैकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने सामने डालेंगे फिर आप जाएंगे, अच्छा, क्योंकि उनको दिखा भी देते हैं, देखिए यार हमने इतना डाला है, 1/2 kg 1 kg का हिसाब है ना, तो इससे ज्यादा भी है पैकिंग की कोई तैयारी में? जाहिर सी बात है कोई ज्यादा लेकर आता है, कुछ ज्यादा लेकर आएगा उसके लिए हम बड़े बॉक्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा वो कर लेते हैं ना। तो दिखाएं ना जरा बॉक्स की क्वालिटी, तो चेक करा ना जरा हाथ में, दिखाएं कौन सा है। अच्छा ये पैकिंग हुई भी है, ये 1/2 kg है, 1/2 kg है ये, ठीक है। फुल के जी वाला भी दिखाएं जरा, वाला फुल के जी है, ये फुल के जी है, ये 12 kg ये फुल के जी, अच्छा इस तरह की पैकिंग होती बिल्कुल, है बिल्कुल। तो मशीन वगैरह सब अपनी? बिल्कुल अपनी है, लेबर भी हमारी अपनी है, और प्रॉफिट भी हम बिल्कुल कम ले रहे हैं, कि यार जो है ना किसी काम अच्छा चले, बस काम अच्छा चले, बस अल्लाह पाक इसमें बरकत दे। तो ये अंकल भी आए हैं, अंकल पैकिंग वैकिंग के लिए आए हैं क्या? पैकिंग के लिए आए हैं ना, चले आपसे भी बात करते हैं फिर पूछते हैं। तो जरा सा मशीनों को भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्या पैकिंग वैकिंग करवाने के लिए आए हैं क्या? खाना खाना इसलिए पैकिंग कराने रहे हैं कि अभी मेरी फैमिली जा रही है हज पे, माशाल्लाह खाना मिल रहा है फ्री का, यहाँ अपने हाथ का बना हुआ खाना जाएगा ना, और इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, लीक नहीं होता, क्योंकि इनके डब्बे माशाल्लाह दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं, मजबूत है, थोड़ी पैकिंग अच्छी है, और प्राइस वगैरह ये दूसरों के मुकाबले में आधे हैं, रेट का इतना फर्क है कि आप
दूसरों के पास जाओगे तो इसने एक दिन की पैकिंग मांगेंगे, चार घंटे में पैक हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं पैक करवाने? लाइट हाउस से आया हूँ। लाइट हाउस से आए हैं, यहाँ पे बंस रोड पे खाना पैक करने? तो मेरे करीब पड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम लड़के, क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई कैसे? बस माशाल्लाह भाई, क्या खाना वाना पैक करवाने के लिए आए हो? जी भाई, पिकनिक पे जा रहे थे फ्रेंड्स वगैरह, तो घर का खाना होता है, आपको पता है की बाहर का खाना आजकल जरा अच्छा भी नहीं है, मुफीद भी नहीं है। हाँ। तो इस वजह से खाना पैक कराने के लिए आए थे भाई के पास। सही, तो भाई मार्केट में और भी दुकान है ना, तो ये हाजी कैनिंग पे आने का फायदा क्या होगा तुम्हें? इनकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ। और दूसरा रेट इनके मुनासिब है, बाकी मार्केट से कम है, तो अच्छा, से। तो यही वजह है भाई। जी भाई बिल्कुल सही। तो पहले आया हो करवाने के लिए? नहीं, इनसे अभी फर्स्ट टाइम करवाने ना, तो क्वालिटी फिर पता चल जाएगी। हाँ पता चल जाएगी, बाकी दोस्तों से भी सुना है की अच्छी क्वालिटी है, हमने कहा चलो इनसे ट्राई कर लेते हैं। तो इमरान भाई, आने वालों को लोकेशन भी थोड़ी गाइड करें ना कि किस तरफ आए हैं, ये हाजी कैनन की दुकान है किस तरफ? यार ये बंस रोड। हाँ। गली नंबर एक नियर बाबू पाई शॉप, बहुत मशहूर है बाबू पाई शॉप, हाजी फूड कैनिंग के नाम से है ये, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर भी है 0321263619। जबरदस्त, मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल करें, मोबाइल पे आए, इंशाल्लाह हम आपको सहूलत देंगे अल्लाह ने। जबरदस्त, तो भाई मैं दिखा भी देता हूँ, ये पूरी बंस रोड की एक नंबर गली है जी, देखें ये एक नंबर गली से आप आएंगे, ये बाबू पान शॉप और ये है भाई हाजी कैनिंग। इमरान भाई आप यही होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही होता हूँ भाई। बस जबरदस्त हो गया भाई।